थाने के हजूरी परिसर में शिवसेना के दोनों गुटों में हुए विवाद पर क्या बोले उद्धव ठाकरे गुट के फैजान शेख और शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक विकास रेपाले। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दो दिन पहले थाने के वांगले स्टेट के हजूरी परिसर में चला हो दिया चर्चा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के हर जिले शहर में शुरू किया गया है। इसी कार्यक्रम में व्यवधान डाला गया शिंदे गुट द्वारा और किस तरीके से यहां पर दोनों गुटों के मुस्लिम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई, झड़प हुई, वो खबर हमने आपको दिखाई। अब इस मामले में यहां पर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो फैजान शेख थे, जो किसी वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थाने के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनका क्या कहना है? उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वो MIM के हैं, शिवसेना के कार्यक्रम में कैसे आ गए और उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, ऐसी बातें की जा रही है। तो उस पर फैजान शेख ने खुलासा किया है कि एक साल पहले वो MIM से इस्तीफा दे चुके हैं और तकरीबन 5 से 6 महीना पहले उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट में प्रवेश किया था। अब इस पूरे विवाद पर क्या कहना है फैजान शेख का, वो हम दिखा रहे हैं। फैजान शेख की बातों के बाद ये प्रभाग और इस प्रभाग के जो पूर्व नगर सेवक है विकास रेपाले, उन्होंने फैजान शेख पर और उनके साथियों पर गंभीर रूप के आरोप लगाए हैं। उस दिन के विवाद को लेकर के भी उन्होंने बातें रखी। तो क्या कह रहे हैं फैजान शेख की बातों के जवाब में पूर्व नगर सेवक शिवसेना शिंदे गुट के विकास रेपाले, सुनिए। फैजान भाई, 7 तारीख के दिन हजूरी चौक पर हौदे चर्चा का आयोजन रखा गया था, उसमें कुछ शिंदे गुट के लोग ने आगे कुछ हंगामा किया था, तो क्या पूरा मामला था? दरअसल मामला ऐसा था कि कोपरी पाँचपगड़ी विधानसभा अंतर्गत हौदे चर्चा, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना की तरफ से ये हौदे चर्चा सब जगह कॉर्नर मीटिंग थी, उसी तरह हजूरी में भी एक वो कॉर्नर मीटिंग आयोजित किया गया था। उसमें वो कॉर्नर मीटिंग चल रही थी तो कुछ अपोजिशन वाले, मतलब उसी सेना के एक दूसरा भाग जो था शिंदे गुट जिसे आप बोलेंगे शिंदे गुट, उनके कुछ कार्यकर्ता आए और वो प्रश्न विचारने, तब क्वेश्चन करने लगे। किस चीज के क्वेश्चन? क्वेश्चन भी ऐसे कि ये हमको हमारी मांगे क्यों नहीं मिली, कौन सी मांगे थी जो पुराने टाइम से हम जो हजूरी जिस चीज की सुविधा बुनियादी सहूलत चाहिए थे, जैसा स्कूल का ग्राउंड हो, कम्युनिटी हॉल हो, कब्रिस्तान की मांगनी थी, वो सब चीज अब मांगनी भी वो लोग कर रहे हैं कि जिनको ये नहीं समझ, जिनको राजनीति की ये सूझबूझ नहीं है कि राजनीति में मांगनी वो करता है जो विरोध में हो और सत्ता पक्ष से मांगनी होती है, ये खुद सत्ता में और ये विरोधक से मांगनी करते हैं। इनको ये नहीं मालूम क्योंकि इनके नेता ने इनको ये सिखाया नहीं ना कि मांगनी किससे किया जाता है। जब हम अपोजिट में रहते तो हम सत्ता पक्ष से मांगनी की जाती है, ये विरोधक से मांगनी कर रहे कि हमको क्यों नहीं बुनियादी सहूलतें मिली। अरे मैं बोलना चाहूंगा, तुम्हारे पास वार 2017 में जब तुम्हारे चारों नगर सेवक बहुमत से चुन के आए, उस वक्त से तुमने अभी तक क्या किया? तुम्हारे पास तुम्हारे नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, महापौर इस वार्ड का था सबसे पहली बार, महापौर की कितनी निधि सब जगह गई, वार्ड नंबर 19 के लिए महापौर ने क्या किया? स्टैंडिंग MLA तुम्हारा था, पालक मंत्री तुम्हारा था, मिनिस्टर तुम्हारे थे, तुमने क्यों नहीं उस वक्त मांगनी करे? और आज जब बात मिल्लत की आई, आज जब दूसरे गट वाले आके उनको एक्सपोज कर रहे तो तुम उनको रोक रहे, तो तुम्हारी मंशा क्या है? तो आप लोगों को मतलब हटाया क्यों गया था यहाँ से? जब हम लोग को इसके लिए हटाया गया था ताकि पुलिस का भी उसमें मामला था और उनके पास फोर्स भी कम थी और वातावरण खराब होने का मामला भी था, इसके लिए हम लोग उनकी मांगनी क्यों, उन लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप पे प्रेशर है, इसलिए हम थोड़ा आगे चंद मीटर दूरी पे जाके हम लोगों को चुप सफा की। शिंदे गुट के जो कुछ कार्यकर्ता आए थे तो वो लोग कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है वो लोग? वो भी यही हजूरी के रहे बस। क्या नाम है वो लोग? कोई अपराध था उसमें, उसके एक भाई था और कुछ उसके साथी लोग थे। अच्छा, लोग थे। फिर आपको आगे ले भेज दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमने हजूरी सर्कल पे हमने हमारी चौक सभा की और उसके आगे बैतीवाड़ी में थी उधर चौक सभा की। तो इस पूरे जो आपकी वो आज सभा रखी गई थी, आयोजन रखा गया था, ठीक है, उसमें आप ही का नाम क्यों लिया जा रहा था? मैं यहाँ का लोकल कार्यकर्ता था, सबसे पहली बात दूसरे पक्ष को ये नहीं मालूम, मैं एक्चुअली MIM का बहुत पुराना कार्यकर्ता था, मैंने रिसेंटली, मुझे एक साल हो गया MIM का इस्तीफा दे के,
और मैंने पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना ये मैं मिनिमम 4-5 महीने से मैं पार्टी में हूँ। हमारे जिला प्रमुख को भी मालूम है केदार डिगे साहब को, हमारे उप जिला प्रमुख संजय गाड़ियाकर साहब को, और जो अभी हमारे संपर्क प्रमुख हमारे जो उस वक्त मौजूद थे संजय सनप सर उनका नाम है वो भी वहाँ मौजूद। विकास सर, हजूरी में 7 तारीख को दिन शिंदे गुट के और उदय गुट के बीच में कुछ बहस हुई थी, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप तो शिंदे गुट के माजी नगर सेवक भी हो। जिस चीज का आप वाकया कर रहे हैं, उस दिन वहां के हमारे कुछ लोकल कार्यकर्ता है जिन्होंने उद्धव ठाकरे गढ़ का हो दे चर्चा, तो इनका वो नाके पे जो खड़े रह के प्रोग्राम चौक पे जो होता है चौक पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको उन्होंने विरोध दर्शाया था। वहां एक भी स्थानीय आदमी उस पूरे उनकी जो 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 लोग जमे हुए थे 20-25 लोग उसमें एक भी स्थानीय आदमी नहीं था। मैं उद्धव ठाकरे गट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको पूछना चाहता हूँ कि MIM का जिसने MIM के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, जो MIM का आज भी पदाधिकारी है, वो फैजान शेख आपके साथ क्या कर रहा था? ये उद्धव ठाकरे एक हजूरी का इकलौता अगर आदमी उसमें अगर कोई था तो वो फैजान शेख था। वो MIM की जो आपकी जो अलायंस जो छुपी अलायंस है, क्या वो स्वर्गीय बाला साहब जी को मान्य है? क्या स्वर्गीय बाला साहब जी को उससे अगर बाला साहब जी होते तो अगर ये सब होने देते? ये जो MIM के साथ मिलकर इन्होंने जो वहां पर वो प्रोग्राम करने की कोशिश की उसको हमारे वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने रोका। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा कि यहाँ पर आप मत कीजिए करके। ये सर मैं आपकी बात रोक के एक बात करना चाहता हूँ, जो MIM का जो पदाधिकारी आप बता रहे हो फैजान शेख, इसने 10वें महीने में 2022 में रिजाइन दे चुका है MIM से, उसने रिजाइन लेटर भी बताया है अपना, तो फिर अभी कैसे पदाधिकारी है? आज भी स्टेटस देखिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखिए, आप देखिए, मैं भी देखता हूँ, वो आज भी MIM में सक्रिय है। और उसने शिवसेना में उनकी हमारी शिवसेना में तो हम ऐसे लोगों को लेते नहीं, बट उनकी जो शिवसेना है उदय बाला साहब, उसने कहां प्रवेश किया है और क्या है? मैं तो कहता हूँ एक लौता आदमी हजूरी से वहां पे था और जिन्होंने विरोध किया वो सारे हजूरी की लोकल आवाम है, जो हजूरी के लोकल बच्चे हैं, हजूरी के लोकल युवा है, उनको तो उनके उनके जो विभाग में जो काम हो रहा है, उनके विभाग में जो हो रहा है, तो वो उनको उनका मत प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। सर फैजान का ये भी कहना है कि सत्ता में शिंदे गुट के जो लोग आए थे उससे सवाल जवाब करने के लिए, मांग के लिए, तो सत्ता में तो आपकी पार्टी है, शिंदे गुट की पार्टी है, तो उदय गुट से सवाल करने का मतलब क्या था? उन्होंने हजूरी में जो हुआ जिसका मैंने ब्यौरा लिया पूरी तरीके से, उसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कुछ कीजिए मत करके, आप हमारे यहाँ का माहौल मत खराब कीजिए, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे एक इकट्ठे होकर रह रहे, आप कुछ गलत चीज करके यहाँ का माहौल मत खराब कीजिए। और जस्ट उसके कुछ 10 मिनट पहले नमाज अदा करके लोग आ रहे थे, तो ये उन्हीं लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे जिसको स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। अच्छा। और ये कोई हमारे कहने पे नहीं हुआ, दैट वॉज एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो हमें तो कोई रोकने का हम क्यों करें, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वहां के युवाओं का। और उनके जो प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि हजूरी में विकास नहीं हुआ, हजूरी में काम नहीं हुआ, उनको जरा खुली आंखों से जरा हजूरी में घुमाओ, प्रभाग में घुमाओ, उनको दिखाओ जरा। उन्होंने कहा विकास नहीं हुआ, तो उनका नाम गाढ़वे है, तो क्या वो मैं कहना नहीं चाहता, तो क्या वैसे मैं उनके बारे में वैसा कहूँ? उन्होंने हमारे युवाओं के ऊपर कहा कि नशा फैलाने वाले लोग, गुंडे, ये हजूरी के लोग है, लोकल लोग है, ये इलेक्शन में जवाब देंगे, आप आओ, आपको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। हजूरी के बच्चे हमारे, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खुद का धंधा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप उनको गुंडे कहोगे? आप उनको नशा फैलाने वाले कहोगे? आप जिनको लेके कल उन्होंने फिरोज पठान और इन्होंने किया, नशेड़ी है, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ नशेड़ी है वो। फिरोज पठान जो है सर महाविकास आघाड़ी के, तो उन्होंने कई आपके जो युवा कार्यकर्ता है उन लोग पे कई आरोप भी लगाए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? फिरोज पठान को कौन गिनता है यहाँ पर? फिरोज पठान रहता कहाँ है? फिरोज पठान रहता मुमरा में, उसको हजूरी के बारे में क्या पता है? या ऑफिस खोल के बैठना, वहां बैठ के नशेबाजी करना, इसको तो राजनीति कहते हैं क्या? कौन फिरोज पठान, कौन जानता है फिरोज पठान के बारे में हजूरी में? सर ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है ना? पॉलिटिकल इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इस वजह पॉलिटिकली सब अब आ रहे उगते हुए। देखो मैं आपको कह रहा हूं, उनको एक आदमी नहीं मिल रहा हजूरी से,
उनको फैजान शेख को लाना पड़ा। एक सिंगल आदमी, आप चलिए मेरे साथ हजूरी में, दिखाता हूं मैं आपको, हम खड़े हो गए तो कितने लोग जमते हैं, क्यों काम करते हैं लोगों के सुख दुख में जाते हैं, लोगों की समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ईद के दिन आके लोगों को शुभकामनाएं देना नहीं होता, उनके सुख दुख में जाना पड़ता है, उनको कहीं जरूरत पड़े, उनको कोई बीमार पड़े, कोई क्या करे, उसलिए जाना पड़ता है। कितनी बार फैजान जाता है, कितनी बार ये हमारे नशेड़ी जाते हैं। आप कह रहे थे ना फैजान शेख ने एमआईएम का रिजाइन किया है, ये देखिए, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये मेरे अकाउंट है नहीं, खुलेआम से दिखा रहा हूं मैं आपको। और वो एकदम मतलब गंदी राजनीति करते हैं यहां, बस वो आप कह रहे हैं ना उसको कम्युनल राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी हजूरी की जो जनता है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सारे भाई, हमारे उत्तर भारतीय भाई सारे एक में मिलकर रहते हैं, यहाँ पर सारे त्योहार एक साथ होते हैं। आपने बाहर हजूरी की जो आवाम है उनसे भी पूछा होगा हजूरी में काम हुआ है कि नहीं हुआ, बस इन दो चार लोगों के कहने पर आप ये नहीं कह सकते कि हजूरी में विकास नहीं हुआ। हजूरी में इतना पानी भरता था, इतना, आज हजूरी में पानी भर रहा है, आप जाकर वहां के लोकल जनता से पूछिए क्यों नहीं पानी भर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क की वजह से। इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को धमकाओ, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगो, कॉन्ट्रैक्टर से उससे नहीं कहना चाहिए बट पैसे रेटो, फिर वो काम कैसे करेगा। बट हमने जब हमसे आए हजूरी में एक भी आदमी ने, जब से पांच साल और ये छह एक साल तो प्रशासक में गया, एक भी आदमी ने अगर ऊपर घर बांधा और किसी ने पैसे किसी मांगे हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पहले हजूरी में ऐसा नहीं होता था, कोई घर बनाने गया यही लोग जाते थे, पैसे दो, रेती हमारे से लो, खड़ी हमसे लो, बेचारे गरीब लोग पैसा पैसा जोड़कर घर बनाते हैं। खुद के घर का वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाए इसलिए डेटा सेंटर को विरोध करने वाला फैजान शेख है, शाहरुख चौधरी है और फिरोज पठान है, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे नहीं मिले इसलिए विरोध करने वाले लोग है ये। इन लोगों को हजूरी के विकास के बारे में क्या पता, आप लोकल लोगों से पूछिए, आप घर घर जाके पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% काम, 100% तो कोई नहीं कर, कोई भी नगर सेवक 100% नहीं कर पाता, बट मैं जितनी कोशिश की हमने की है पिछले 6 सालों में। अब तो प्रशासक है फिर भी काम थोड़ी बंद है, काम तो सारे चालू है, कहां कोई। परसों एक सर मैं गया, उस दिन ईद के दिन देखा एक चेंबर टूटा हुआ था, तुरंत बनवा दिया। एक मैसेज आता है हमको वहां से, ईद मिलाद के टाइम एक मैसेज आता है हमको यहां से, पानी बह रहा है, तुरंत कार्रवाई होती है उसके ऊपर, एक चेंबर टूटा है तुरंत कार्रवाई होती है। हम काम करने की कोशिश करते हैं, 100% सर्वगुण संपन्न तो हम भी नहीं है, सब जगह हम भी नहीं पहुंच पाएंगे, शायद खामियां हम में भी है, बट काम करने की कोशिश तो करते हैं, आपकी तरह लोगों को ये तो नहीं करते।